में समाप्त होगा। कस्तूरी की शीशी को बार बार धोते रहने पर भी उसकी गंध आती रहती है, इससे प्रतीत होता है कि सूक्ष्मता का प्रभाव उससे कहीं अधिक होता है जितना कि आम लोग समझते हैं। स्थूल संसार, स्थूल जीवन को मोटी दृष्टि से देखने पर वह सब कुछ जाना पहचाना, घिसा पीटा, मामूली, महत्वहीन और ढरे का दिखाई पड़ता है। उसमें ना कुछ विशेषता है ना महत्ता, पर जब गहराई में उतरने और अधिक समझने और प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो यहाँ सब कुछ अद्भुत। देखो, भगवान का जो स्वरूप है ना, स्वभाव, उसमें सत्यता है, चैतन्यता है और आनंद है। तो परमात्मा का जो स्वभाव है ना, वो सत्य, चित्त और आनंद है। सत्यता है, चैतन्यता है और आनंद है। तो घास घास में, अणु अणु में, एक छोटे से छोटी वनस्पति में, औषधि में निरंतर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वो परमात्मा की चैतन्यता है। सत्य मतलब होनापन, सत्य था, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। और आनंद, हर जीव, हर पक्षी, हर पशु, हर प्राणी सुख के लिए, आनंद के लिए ही कोशिश करता है। नौकरी करता है मनुष्य तो सुख के लिए, धंधा करता है तो सुख के लिए, हर चेष्टा जो है सुख के लिए ही, आनंद के लिए। लेकिन आनंद को नश्वर और जड़ चीजों में मानता है, उसमें आनंद टिकता नहीं। तो आनंद अपने आप में है, अपने स्वरूप में। तो वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं को लेकर, भौतिक पदार्थों को लेकर रिसर्च करते हैं, जबकि साधक जो है अपने आप पर खोज करता है। जब पिंडे तब ब्रह्मांड, अपने आप को खोजने से ब्रह्मांड का तत्व भी अनुभव में आ जाता है। तो अनंत सामर्थ्य से, अनंत शक्तियों से मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का आत्मा बढ़ा पड़ा है। अगर वो उसको जान ले, उस आत्म तत्व का अनुभव कर ले, तो वो महान बन जाता है। और उसको अगर नहीं जाने, तो फिर इन्हीं इंद्रियगत, बुद्धिगत, विषयगत संसार में उलझते उलझते न जाने कितने जन्म जन्मांतरों को उपलब्ध होता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप को जानना चाहिए। तो पहले के ज़माने में ऋषि मुनि एकांत स्थान में जाकर अपने आप को जानने का प्रयत्न करते थे। उन्होंने आंतरिक ज्ञान विज्ञान का अनुभव करके उस सत्य तत्व परमात्मा को पाया। प्रकृति और का यह अद्भुत समन्वय अज्ञानी को सामान्य और ज्ञानी को असामान्य प्रतीत होता है। मोटी दृष्टि से यहाँ सब कुछ कूड़ा करकट भरा है, पर तत्व दृष्टि देखता है कि कण कण में शक्ति का अनंत भंडार भरा पड़ा है। कण कण में, रोम रोम में, रग रग में अनंत शक्ति, अनंत चैतन्य तत्व भरा पड़ा। अज्ञानी व्यक्ति को भले इसका सामान्य वो लगे, लेकिन ज्ञानी उसे ब्रह्म का विलास, सर्वम खलविदं ब्रह्म। प्रकृति और पुरुष का, जड़ और चेतन का, स्थूल और सूक्ष्म का यह अद्भुत समन्वय अज्ञानी को सामान्य और ज्ञानी को असामान्य प्रतीत होता है। मोटी दृष्टि से यहाँ सब कुछ कूड़ा करकट भरा पड़ा है, पर तत्व दृष्टि देखता है कि कण कण में शक्ति का अनंत, कण कण में, रोम रोम में अनंत शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। ये ज्ञानी की दृष्टि। और अज्ञानी की दृष्टि तो क्या, जीव हैं, लोग हैं, देश हैं, समुद्र है, आकाश है, सूरज है, बादल हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, ये सब। लेकिन ये सब अज्ञानी देखता है, लेकिन ज्ञानी हर चीज़ में अपना चेतन तत्व, अपना ब्रह्म तत्व विलसित हो रहा है, इस प्रकार अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी को शोक नहीं होता, जरा जरा बात में विक्षिप्तता नहीं होती। त्रति शोकम आत्मविद, ये आत्मविद्ता ज्ञानी शोक के सागर को तर जाता है, और जो अज्ञानी है वो शोक के सागर में डूब जाता है। अपने जीवन में अनुभव करने योग्य वो परमात्मा है। और इतनी सारी संभावनाएं, इतना सारा योग्यता, इतना सारा सामर्थ्य और शक्ति अपने जीवन में है कि साधक उसको साधना के द्वारा प्रकट करे, तो उसके लिए असंभव जैसी चीज इस संसार में कुछ नहीं, सब संभव है। साईं मेरी पूजा, साईं आनंद, साई मेरा पार ब्रह्म सच्चिदानंद।